नमस्कार, जय जोहार साथियों। जागो पंचमी आप सभी का स्वागत। साथियों, आपके सामने जो अभी आम चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसके रिजल्ट आप सभी के सामने हैं। इन रिजल्टों को अगर हम देखें तो बात आती है, एक तरफ जो लहर थी, जिसको लहर बताया जाता है, लहर किसकी? राम मंदिर की। लहर किसकी? मोदी की। लहर किसकी? योगी यानी बुलडोजर बाबा की। क्या बुलडोजर बाबा को ले डूबा? और क्या राम मंदिर, ये जो धर्म के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर, भगवान के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, क्या ये मोदी फैक्टर खत्म कर डाला? मोदी फैक्टर खत्म हो गया क्या? राम मंदिर मुद्दा नहीं चला? साथियों, इसके बारे में बड़ी बात करेंगे आज। आप बने रहिए अंतिम तक और देखिए कैसे जो राम को लाए थे वह काम ना आए थे, यानी जिन्होंने राम को उंगली पकड़ के अयोध्या पहुंचाया, वही राम ने अयोध्या में ही प्रधानमंत्री मोदी का साथ नहीं दिया। कैसे? वहां पर आप सभी जानते होंगे, समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जी वहां पर चुनाव जीते हैं और आप सभी जानते हैं कि वहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जी जीते हैं और वह 5 लाख से ज़्यादा वोट प्राप्त किए हैं। और वहीं पर भाजपा के लल्लू प्रसाद लल्लू बन गए। कैसे लल्लू बन गए, यह आप अंत तक बने रहिए और आप देखेंगे कैसे लल्लू बनने के पीछे एक कहानी है, एक कारण है। वह कारण है 5 कारण जिसकी वजह से पूरी की पूरी मोदी लहर डूब गई, क्योंकि जनता तो जनार्दन है, जनता सबकी मालिक है। तो साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि ना राम मंदिर लहर काम करी, ना मोदी लहर काम करी, ना योगी लहर काम करी। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे के 5 कारण हैं जो जनता जनार्दन ने स्वीकार किए और इनको ठुकराया। तो साथियों, सबसे बड़ा कारण है कि राम ने, जो राम को लाए थे, वह कारण क्या था कि राम ने ही अयोध्या में साथ छोड़ दिया? इसके पीछे का कारण है वह मैं बता रहा हूँ आपको। तो मोदी जो फैक्टर ख़त्म हुआ, इसके पीछे का कारण है, वह कारण है, पहला, मोदी की नीयत, यानी नीयत साफ नहीं थी। नीयत साफ नहीं थी कि पीछे का क्या मतलब, नीयत साफ नहीं थी। उन्होंने चुनावों को मद्देनजर रख के आनन फानन में मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं था, मंदिर पूरा बना नहीं था, केवल उसका उपयोग मात्र करना था कि वो राम को भी उपयोग कर लेंगे, वह इसमें नहीं चूके। और उनकी नीयत में खोट था, ये जनता को पता लग गया, क्योंकि हिंदू धर्म एक परिपाटी पर चलता है और वह परिपाटी है शंकराचार्य। और कोई भी शंकराचार्य उस मंदिर के उद्घाटन के लिए प्रसन्न नहीं था, खुश नहीं था, सभी दुखी थे कि आधे अधूरे घर में भगवान को नहीं लाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की नीयत साफ नहीं थी, वह केवल चुनावों के लिए उस मंदिर का इस्तेमाल करना चाहते थे, उस भगवान का इस्तेमाल करना चाहते थे जिसको उन्होंने उंगली पकड़कर अयोध्या पहुँचाया। और अयोध्या वहाँ पहुँचा तो दिया, लेकिन क्या राम ने साथ दिया? राम ने साथ छोड़ दिया उनका और वहां पर उन्होंने दिखा दिया कि यहां पर जिनकी नीयत साफ है हम उनको लाएंगे, हम भले ही आप हमको लाए हो जबरन, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। और उन्होंने हराने का काम किया भाजपा को। आप देखिए नंबर 2 कारण क्या है कि यह मोदी लहर खत्म होती सी प्रतीत हुई। यह मोदी लहर, योगी लहर, इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं जो भगवान को, धर्म को, सबको लेकर चलने वाले हैं, आखिर क्यों ये फेल होते नजर आ रहे हैं? राम तक इनका साथ नहीं दिए। नंबर 2 कारण है इनका धर्म के नाम पर धोखा।
धर्म के नाम पर क्या धोखा। यह सबसे पहले हिंदू मुस्लिम के बीच में मतभेद पैदा करने का काम करते हैं, जबकि यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां पर यह हिंदू मुस्लिम के आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं, उनके बीच खाई खोदने का काम करते हैं और फिर बड़े हिंदीवादी नेता बनते हैं। और दूसरी तरफ शहनवाज हुसैन, अब्बास नकवी जैसे नेताओं को गले में लपेटे रहते हैं और लोगों को धोखा देते रहते हैं। मोहसिन रजा ऐसे नेताओं को अपने साथ बैठाए रहते हैं और लोगों को कहते रहते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, और मुस्लिमों के साथ दोयम दर्जे की बात करते हैं। उसका नतीजा है कि यह जो धर्म के नाम पर इन्होंने जनता को बरगलाने का काम किया, जनता समझ गई कि यह हिंदू मुस्लिम अब नहीं चलेगा। जनता समझ गई कि यह बरगलाने का काम करता है व्यक्ति, और मोदी लहर, योगी लहर दोनों डूब जाती है और साथ में मंदिर लहर भी डूब जाता है, क्योंकि राम ने तो ठान लिया था कि इसने मुझे आधे अधूरे घर में भेजा है, इसको भी मैं यहां से ऐसे ही भेजूंगा। तो साथियों, तीसरा काम है मोदी का, ये जो लहर डूबी और भाजपा का जो इस हश्र पे पहुंची, इसका और भी तीसरा कारण है, वह है संविधान पर प्रहार। आए दिन इनके छुटभैये नेता 400 पार का नारा देकर क्या कहते हैं कि अगर हम 400 पार पहुंच जाते हैं तो हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को हटा देंगे और अपना संविधान लागू करेंगे। आखिर यह कारण भी इन्हें ले डूबा, क्योंकि संविधान जो आज भारत का है वह समानता और भाईचारे पर आधारित है, और इनका संविधान मनु के विधानों पर आधारित है, और मनु का विधान अब इस देश में चलने वाला नहीं है। जनता एक सिरे से नकारती है। तो साथियों, ये हो गए इसके तीन कारण कि भाजपा में मोदी लहर इस बार काम क्यों नहीं की और राम मंदिर भी काम ना आया, इसके ये तीन कारण हैं। और चौथा कारण मैं बताता हूं, भगवान को धोखा। ये भगवान को भी धोखा दे देने वाले लोग हैं। वह कैसे भगवान को धोखा दिया कि चुनाव था, लेकिन उन्होंने ये दिखाने का काम किया कि हम आधे अधूरे घर में आपको ले आए, और उस आनंद फानन में इन्होंने क्या गलतियां की, वो गलती की कि वहां पर खंडित मूर्तियों को लगा दिया। जो मूर्तियां खंडित थी, जिन्हें इनकी भाषा में बोला जाए खंडित थी, लेकिन मेरी भाषा में आ टूटी फूटी मूर्तियों को जल्दी जल्दी लगाने का काम किया कि आनंद फानन में लगा लो, सामने चुनाव है, उसके बाद देखी जाएगी। यानी इन्होंने भगवान को भी धोखा दिया। अगर लगा ही रहे थे तो वहां पर मूर्ति ढंग की लगा देते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दैनिक जागरण कह रहा है। दैनिक जागरण क्या कह रहा है, 24 मई 2024 की बात है। लिखता है दैनिक जागरण कि हनुमान की मूर्ति खंडित लगने के कारण वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। ये आपको सभी को स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं, जो भगवान को धोखा दे सकता है वो भारत की जनता को धोखा नहीं दे सकता। ये तो बहुत मामूली सी बात है। इन्होंने भगवान तक को छलने का काम किया। ये नहीं, अगर तुम्हें भगवान पे भरोसा था, मंदिर को तुम लाए थे, मंदिर को तुमने बनाया था, जबकि ऐसा नहीं था, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट को द्वारा वैकल्पिक न्याय प्रणाली के तहत आया, लेकिन यहां पर इन्होंने खुद श्रेय ले लिया कि हम राम को लाए हैं, और ये खुद राम को लाए हैं और पूरे भारत भर को, पूरे विश्व को धोखा देने का काम किया कि राम को ये लाए हैं, जबकि राम तो यहां पर अगर आप उन्हें मानते हो तो वह तो आप खुद कहते हो कणकण में हैं, तो आप उनको कैसे लाए। तो राम को भी इन्होंने छल लेने का काम किया। तो राम ने इनको कैसे छला, अयोध्या हरा के, कि ले देखो कि तुम यहां पर आके झूठ बोले, यहीं पे हमें तुम्हारे झूठ का पर्दा फाश करेंगे। साथियों, यह हुआ चौथा कारण। पांचवा कारण था जनता को धोखा। साथियों, जनता को धोखा क्या था, जनता का धोखा था पहले इनकी शुरुआत से ही 15 लाख देंगे, उसके बाद फिर 2 करोड़ नौकरियां देंगे,
इनका जो गुलगुला ये छूटता था तो वह रुकता नहीं था। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में स्टेडियम बना है जिसमें इतना बढ़िया व्यवस्था की गई है कि बारिश हो जाए लेकिन आधे घंटे में पूरा स्टेडियम सूख जाता है। लेकिन आप सभी को एक वायरल वीडियो दिखाई देता होगा सोशल मीडिया पर कि वहाँ पर बारिश हुई और उस स्टेडियम में लोग कपड़ा लेके पानी सुखा रहे हैं। तो ये जनता को कैसे धोखा दिया इन्होंने। और दूसरी बात देखिए, 10 साल से ऐसी लगातार सरकार है और ये जनता से आज क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 10 वर्ष इनकी सरकार चल चुकी है उसके बाद कह रहे हैं भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे। 10 साल क्या करते रहे। और मछुआरों को मिलेगी बीमा और प्रोसेसिंग यूनिट जैसी सुविधाएं, इसके पीछे 10 सालों में आपने ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं दी। और सभी को सस्ती कीमत पर आवास उपलब्ध होंगे, हुए नहीं होंगे, तो 10 सालों में आपने ये सुविधाएं क्यों नहीं दी, क्योंकि 10 साल तो आप बैठे रहे। फिर मेट्रो का विस्तार करेंगे। मेट्रो का विस्तार क्या हुआ, अखिलेश यादव लखनऊ में जहां तक मेट्रो पहुंचा के गए थे वहीं पर मेट्रो स्टॉप पड़ी है, वहीं पर रुकी पड़ी है। तो साथियों ये 5 कारण थे जो राम ने भी इनका साथ नहीं दिया, जो राम को लाए थे उन राम ने भी इनका साथ नहीं दिया। और मोदी के जीत के नाम पर, यानी मोदी जो लहर है उसी के नाम पर इनके बड़े बड़े फूले हुए नेता स्मृति ईरानी टेनी लखीमपुर से और ऐसे ऐसे महेंद्र पांडे, ऐसे ऐसे लोग थे जो सोच रहे थे कि मोदी लहर में अपना तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो पाया और इन्हें इन सभी को हार का मुंह देखना पड़ा। और साथियों सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर जिस प्रकार से अयोध्या में बुरी तरह हारे ये, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग धर्म के नाम पर अब लूटना और ठगना नहीं चाहते। और ये सबको पता है कि अगर राम है तो राम सबको इक्वल बराबर देखेगा, क्योंकि ईश्वर कभी किसी के साथ छल नहीं कर सकता, ईश्वर किसी के साथ जातिगत भेद नहीं कर सकता, ईश्वर किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं, जो बिचौलिए हैं, वह ईश्वर के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, लोगों को छलने का काम करते हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब ये भांडा फूटता है। और जब ये भांडा फूटता है तो यही हश्र होता है कि भगवान भी काम नहीं आते। साथियों आज आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से हमें धर्म के नाम पर, हमें राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर कैसे ठगा जाता है, यह आपको समझ में आया होगा। तो साथियों अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो नए साथी देख रहे हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुँच जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा। जय भीम, जय मंडल जी।